जयपुर में सरस दूध 2 रुपया लीटर हुआ महंगा, 11 अगस्त से लागू होगी बढ़ी हुई कीमतें। सरकार के अंधभक्त बने रहोगे तो नहीं चलेगा, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्ति राजनंदन का वीडियो हो रहा वायरल। झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, 18 करोड़ मिला था उनके आवास से कैश। शेख हसीना को शरण देने से नाराज है बांग्लादेशी, खालिदा जिया की पार्टी ने भारत को चेताया। सेंसेक्स में 819 अंक की तेजी के साथ 79,705 पर हुआ बंद, निफ्टी में भी 250 अंक की बढ़त रही। ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ 20% अपर सर्किट पर हुआ बंद। 15 अगस्त तक दिल्ली समेत कई राज्यों में होगी बारिश, आंधी की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से की बात, रूसी सेना में भारतीयों का मुद्दा उठाया। 530 दिन बाद जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, बोले आम आदमी पार्टी नेता, लोकतंत्र की हो गई है जीत। यूपी के कई जिलों में मुफ्त कर दी गई है बस सेवा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश, रक्षाबंधन के दिन महिला कर सकेंगे मुफ्त में बस यात्रा। हरियाणा के करनाल में मुठभेड़ के बाद पुलिस को मिली सफलता, शिकंजे में आए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गे। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने की अमित शाह से मुलाकात, बांग्लादेश में हिंदू की सुरक्षा को लेकर उठाई डिमांड। मनीष सिसोदिया 17 माह के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए, कहा संविधान और लोकतंत्र की ताकत से कबूलते जमानत मिली। कर्नाटक में भी वायनाड जैसा त्रासदी के संकेत, 2040 तक डूब सकते हैं 2 शहर, मौसम विभाग ने जारी किया है बड़ी चेतावनी। सावरेन गोल्ड स्कीम का हो गया है शुरुआत, आरबीआई ने दिया खुशखबरी, आप भी लगा सकेंगे सावरेन गोल्ड में पैसा, इसके लिए डीमैट अकाउंट से करना होगा अप्लाई, प्रति ग्राम में मिलेगा 50 रुपया का छूट। क्राउन के जीतने के बाद हो गया है बड़ा अनाउंस, यमुना आज वेंटिलेटर पर है, हमारी नाकामी के कारण नदी बन गया है नाला, राज्यसभा में दिल्ली सरकार पर बरसी स्वाति मालीवाल। मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से हो गए हैं रिहा, आम आदमी कार्यकर्ता ऑफिस में हो रहा है जश्न, वीडियो हो रहा वायरल। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण पर रोक, नवंबर तक बढ़ गया, हाईकोर्ट ने दी थी अनुमति। हर घर तिरंगा हर घर खादी अभियान की हो गई है शुरुआत, 198 रुपए में मिल रहे हैं खास राष्ट्रीय ध्वज। कल वायनाड जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, त्रासदी के पीड़ितों से करेंगे मुलाकात, सीएम को बड़ी उम्मीद। भारतीय मूल के सीईओ ने नीरज चोपड़ा की ओलंपिक जीत के बाद भारतीयों को मुफ्त वीजा देने का पेशकश किया। एक यूपीआई अकाउंट से कई लोग कर पाएंगे यूज, आरबीआई ने बताया लगातार हो रहा है दिक्कत, देश में जल्द लागू होगा एक यूपीआई से कई मोबाइल फोन में यूज करने का सिस्टम। अब सफर में नहीं बनेगा स्लीपर का टिकट, जुर्माना लगाकर अगले स्टेशन पर उतार देगी टीटीई, रेलवे ने जारी किया नया रूल। पेट्रोल डीजल 6 रुपया हुआ सस्ता, पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए का आया गिरावट, रक्षाबंधन से पहले आम जनता को सरकार ने दिया राहत। छात्राओं को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब बुर्के पर रोक हटाया, तिलक बिंदी पर उठाए सवाल। मुंह बांध कर किया रेप, काटना चाहते थे गला, बांग्लादेश की हिंदू महिला ने बताया दुर्दशा, कहा बेटी को बचाने के लिए हमने अपना सब कुछ लुटा दिया। एयरटेल यूजर के लिए खुशखबरी, सिर्फ 101 रुपया में 1 महीने के लिए अनलिमिटेड डेटा और मिलेगा कॉलिंग, आपको माई एयरटेल ऐप से करना होगा रिचार्ज, कंपनी ने आज से लागू किया यह सिस्टम। 20 फीट लंबे अजगर संग सोया शख्स, धीरे धीरे तैयाकर सांप में समेटा खुद को, वीडियो हो रहा वायरल। अयोध्या गैंगरेप केस में मुख्य आरोपी का हुआ डीएनए टेस्ट, अखिलेश यादव ने किया था मांग। संसद में राहुल गांधी के भाषण के बीच मोदी की एंट्री, बजने लगी तालियां, फिर राहुल ने सदन में उड़ा दिया गर्दा। जमानत में बाहर आने के बाद आंदोलन नहीं कर पाएंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। हमें वापस मत भेजो वो हमको मार देंगे, बोले भारत के बॉर्डर पर इकट्ठा हुए बांग्लादेशी हिंदू।
बांग्लादेश में हिंदू पर हमले के बाद बदला लेने के लिए दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वीडियो हो रहा वायरल। बीकानेर में 2 माह की बच्ची को कुत्ते ने नोच नोच कर मार डाला, पालने में सो रही थी बच्ची। राजस्थान में लगातार बढ़ रहा कुत्तों का आतंक। 15 अगस्त को आ रहा दुनिया का पहला 300 वाट का फास्ट चार्जिंग फोन, मात्र 5 मिनट में हो जाएगा आपका मोबाइल फुल। कंपनी कर सकता है लॉन्च। 4 महीने में सुधारे जेलों के शौचालय की हालत, दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट का सख्त निर्देश। लगातार जेलों में बढ़ रहा है हालत खराब। देश में गृह युद्ध की मांग करने वाले के साथ केजरीवाल और संजय सिंह की फोटोज, फूटा लोगों का गुस्सा, सोशल मीडिया में हो रहा वायरल। वायनाड में 226 लोगों की मौत के बाद तबाही देख पिघला जेल में बंद सुकेश का दिल, करोड़ों रुपया दान करने का कर दिया है पेशकश, सीएम को लिखा पत्र। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जीता 13वां मेडल, लगातार दूसरी बार कांस्य पदक का कब्जा, स्पेन को 2-1 से धोया। जुलाई में वेज थाली की कीमत 4% घटी, टमाटर आलू और प्याज के भाव के दाम भी घटे, नॉनवेज थाली सालाना आधार पर 9% हो गया सस्ता। बाजार दरों में लगातार 9वीं बार बदलाव नहीं, लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी, आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% बरकरार रखा। सोना चांदी कीमत में गिरावट, गोल्ड 98 रुपए गिरकर 68,843 पर आया, चांदी 559 रुपए गिरकर 78,600 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा। चेक से पैसा निकालने वालों के लिए खुशखबरी, अब कुछ ही घंटों में मिल जाएगा आपका पैसा, आरबीआई गवर्नर का बड़ा ऐलान। सेंसेक्स 581 अंक गिरकर 78,886 पर बंद, निफ्टी भी 180 अंक फिसला, आईटी और एनर्जी शेयर में ज्यादा गिरावट आया। अनुपमा फिल्म रूपाली गांगुली बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए ट्वीट कर बुरी तरह ट्रोल हो गई, लोग बोले टीवी की कंगना रनावत बनना चाह रही ये औरत। बांग्लादेश में कत्लेआम से कोहराम, भागे भागे बॉर्डर पहुंचे 600 हिंदू, रोते रोते बीएसएफ से लगा दी गुहार। रक्षाबंधन ही नहीं, दिवाली से लेकर क्रिसमस तक कंफर्म सीट का इंतजाम, कई रूटों पर जनरल कोच के साथ 84 ट्रेनों का हो गया है बड़ा ऐलान, जल्द ही चलेगा ट्रेन। बीजेपी नेता की महिला के साथ पुलिस स्टेशन में मारपीट, बुलवाना पड़ा जिले के मकालपुर की घटना का वीडियो हो रहा वायरल। घोर अनर्थ, देवी देवता की तस्वीर के बीच पोर्न स्टार मियां खलीफा के सिर पर दिखा दूध का बर्तन, वीडियो देख लोग भड़के। बिहार में चलती ट्रेन में फिल्म किल स्टाइल में लूटपाट, 20 मिनट में लाखों रुपए का सोना लूटकर फरार हो गए कई बदमाश। सेना की मदद से बची सैकड़ों की जानें, लोगों ने जमकर किया जवानों की सराहना, वायनाड में तूफान बाढ़ आने के बाद सेना ने कई लोगों को बचाया। अब बांग्लादेश में विद्रोहियों के होश फाख्ता करेगी इंडियन आर्मी, मोदी सरकार ने दे दिया खुली छूट, बॉर्डर में आने वाले पर होगा सख्त कार्रवाई। शेख हसीना को नहीं मिल रहा है कोई भी अगला ठिकाना, वापस जा सकती है बांग्लादेश, बहुत बड़ी खबर, अभी है दिल्ली में मौजूद। मुंबई में 3 साल की बच्ची पर गिरा कुत्ता, मासूम की दर्दनाक मौत, वीडियो हो रहा वायरल। सदन में अखिलेश यादव पर जमकर दहाड़े अमित शाह, लगा दी क्लास, हैरान रह गए राहुल गांधी। लॉरेंस बिश्नोई सरकार का मेहमान, इंटरव्यू विवाद पर भड़के सिद्धू मूसावाला के पिता। इजराइल ने हमास के साथ इस्लामिक जिहाद को भी सिखाया सबक, एयर स्ट्राइक में गुप्त ठिकाना को किया तबाह। जिसका डर था वही हुआ, 500 से 600 बांग्लादेशी कर रहे थे भारत में घुसपैठी, बीएसएफ ने चालाकी से खदेड़ा, वीडियो हो रहा वायरल। असम और बंगाल में भी हो सकती है उथल पुथल, बांग्लादेश को लेकर चिंतित है सीएम हेमंत शर्मा। पहली बार 35,000 रुपए सस्ता में आईफोन 15 खरीदने का मिल रहा मौका, अमेजोन में चल रहा है सेल, एक्सचेंज ऑफर के तहत मिलेगा आपको ये फायदा।
दिल्ली में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई, 85 कोचिंग सेंटर और संपत्तियों को किया गया सील, 200 को भेजा गया है नोटिस। सोना चांदी कीमत में गिरावट, सोना 276 रुपए गिरकर 68,906 पर आया, चांदी 79,145 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा। बांग्लादेश संकट से देश की कपड़ा इंडस्ट्री को मिलेगा बड़े ऑर्डर, विदेशी खरीदार से हर महीने 3500 करोड़ के ऑर्डर मिल सकते हैं भारत को। बांग्लादेश में तख्ता पलट, राजस्थान के करोड़ों के ऑर्डर अटके, 20,000 कारीगरों पर संकट, जयपुर पाली की गारमेंट फैक्ट्री को जापान यूरोप से बिजनेस की उम्मीद।